नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत माणकपुरा स्थित श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गोशाला सागवाड़ा में पूर्णिमा के अवसर पर पंकज पुत्र केशवलाल भाटिया निवासी सागवाड़ा द्वारा अपनी पुत्री तनिषा के जन्मदिन पर हीरालाल पुत्र गोपाल पाटीदार निवासी पाडला गोकलिया द्वारा प्रत्येक पूर्णिमा पर गोग्रास कराने का संकल्प, विनोद त्रिवेदी पुत्र सुरेश चंद्र त्रिवेदी निवासी पादरा द्वारा अपनी माता विद्या देवी और पिता सुरेश चंद्र त्रिवेदी चेयरमैन सिद्धि कॉलेज सागवाड़ा की 50वीं शादी की सालगिरह पर व पवन पुत्र नारायण लाल पंचाल निवासी शिव कॉलोनी सागवाड़ा द्वारा दिवंगत माता बदामी देवी पंचाल की 6ठी पुण्यतिथि पर गौशाला में गौग्रास करवाया गया। इस दौरान पंडित मनोज ठाकुर द्वारा मंत्रोच्चार के साथ गौ पूजन किया गया और विद्या देवी और सुरेश चंद्र त्रिवेदी की 50वीं शादी की सालगिरह पर एक दूसरे को माल्यार्पण कर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। इस दौरान श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गोशाला सागवाड़ा के संयोजक मुकेश बोई ने सभी का आभार व्यक्त किया। गौशाला के सभी पदाधिकारियों को हार्दिक आभार। आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाकर ये हमें गाय माता की सेवा का जो मौका दिया है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मम्मी पापा की ये 50वीं सालगिरह हम यहाँ मना रहे हैं, प्लेटिनम जुबली भी हम आप लोगों के बीच मनाएं। हमने इसी उपलक्ष्य में 1,11,000 रुपया गौशाला में देकर एक स्थायी सदस्यता आज के दिन के उपलक्ष्य में ही मैंने पहले घोषणा की थी और आशा करते हैं जब जब भी सेवा का मौका मिलेगा हम करते रहेंगे। सिद्धि कॉलेज परिवार और आप सब, आप गौशाला के साथ हैं, धन्यवाद। श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला सागवाड़ा में सर आपका स्वागत है। आज आपकी 50वीं सालगिरह है और इस अवसर पर आप यहाँ पर गौग्रास करवाया, साथ ही आज ये आपका खुशी का दिन है, इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम एक गौ हमारी माता है और हम गौ को बचपन से, अभी के समय के अभाव से नहीं रख पाते हैं, लेकिन लगभग आज से 10 साल पहले हम लोग गौ की सेवा ही करते थे और हमको बहुत इतना अच्छा लगा कि जैसा अभी बहुत अच्छा लगा, हम उसका बयान नहीं कर सकते कि हम क्या बोले। आज पूर्णिमा ही हमारे कार्तिकी पूर्णिमा है, गौ ग्रास कराई, हमन खूब खूब खुशी थे। कमेटी ने हमारा खूब खूब धन्यवाद, आओ नव कार्य अमन करावता रहे, आओ नव भगवान आओ नव कार्य अमन करावता रहे। श्री श्री उत्तम गौशाला में एक तो आपका स्वागत अभिनंदन। आज इस गौशाला में 4-5 परिवार गोग्रास कराने के लिए आए हैं। आज एक साल का पूरा बड़ा दिन है, आज की पूर्णिमा इतनी विशेष, सभी भगवान आज देव दिवाली मनाने के लिए धरती पे पधारते हैं और आज का दिन आप के 50वीं सालगिरह में सौभाग्यशाली दिल है कि आपको ऐसा दिन मिला और आपके पुत्र द्वारा, हमारे विनोद जी द्वारा, स्थानक कॉलेज के मालिक द्वारा आपका इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है और गौशाला में आकर के आपने हमारी गौशाला का नाम, गौशाला को हमें यूँ लगा कि आपने हमारी गौशाला में आकर के हमें बहुत ही प्रोत्साहित किया, यूँ लगा, क्योंकि अगर आप जैसे लोग ही यहाँ पर गौशाला में आएंगे तो हमारी गौशाला को हम दिनों दिन प्रतिदिन उन्नति करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी बहुत कमियां हैं इस गौशाला के अंदर और हम आप जैसे दानवीरों की, आप जैसे अनुभवों की, आप जैसे योद्धाओं की, आप जैसे सेवाभावी लोगों की यहां ज़रूरत है और आप आओगे तो हमें, हमारे मन में एक कल्पना पैदा होगी कि हम कुछ करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम 4-3 बजे से यहाँ पर आ गए थे कि आज गुरुग्रास है, गुरुग्रास है, विनोद जी आ रहे हैं और दूसरे 2-4 परिवार और आ रहे हैं, तो हमें ऐसा होता है कि नहीं यार कोई लोग आवे हमारे पास तो हमें भी बड़ी खुशी होगी। इन छोटे छोटे बच्चों को, इन गौ ग्रास छोटे छोटे गाय के बच्चों को जो आनंद आता है, इन बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे आपके साथ आए हैं उनको कितना आनंद आया है आज के दिन में कि उनको आपने भोजन कराया घर पे, लेकिन वहाँ पर जो मेहमानों के साथ आनंद नहीं लिया उतना आनंद इन बच्चों ने यहाँ गौशाला में लिया है, इनको बड़ा आनंद आ गया। गौ गायों के पीछे दौड़ना, इनके पीछे भागना, इनको सेवा करना, इनको हार पहनाना, बड़ा आनंद आ गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आपका 50 साल की सालगिरह और 50 साल और बढ़े, 100 साल हो और आप 100 शताब्दी करें, ऐसी मैं गौशाला से और भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।
सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।